मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंधाना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 103 नवनिर्मित आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण किया और इसके साथ ही एमपी के 32 जिलों की 10,000 से ज्यादा पोषण वाटिका का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास कार्य ठप कर दिए थे। जन कल्याण योजनाओं को कमलनाथ ने बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। इसके साथ ही सीएम ने पंधाना विधानसभा के 6 गांव माखन को तहसील बनाने की घोषणा की है। आवास प्लस का भी सर्वे किया है तो 568 लोग और हैं जिनको नहीं मिले हैं, तो अब 568 को जो आवास प्लस की सूची है, क्रमशः हर साल 3 साल में हमारी कोशिश होगी कि कुछ को इस साल, कुछ को अगले साल, कुछ को उसके बाद वाले साल मकान के लिए राशि आवंटित कर दी जाए ताकि सिर छुपाने की जगह हो जाए। तीसरी चीज बच्चों के पढ़ाई लिखाई की। अब स्कूल फिर से खुल रहे हैं। हमने ये तय किया है कि किसी भी जाति के गरीब हो अगर वो पढ़ने में तेज है, संबल योजना में हमने प्रावधान किया था कि उन बच्चों को अगर उनकी पढ़ाई की अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है तो गरीब पढ़ा नहीं सकता, तो वो पढ़ाई की फीस भी जो प्राइवेट में बहुत ज्यादा होती है वो फीस भी माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएंगे। ये योजना हमने बना के उस पर काम करना चालू है।